हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आ चुके हैं आपके बच्चों न्यू टॉपिक में, जिसमें मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन का बच्चों अब चैप्टर स्टार्ट कराने वाला हूँ। हेलो एल्केन हेलो एरिन के मैंने चार पार्ट बना दिए हैं बच्चों, लेकिन उस चार पार्ट में सिर्फ मैंने आईयूपीएसी नेमिंग सिखाई है, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाई है। तो अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग सीखनी है तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, तो आईयूपीएसी नेमिंग आपको आ जाएगी। और अगर आप चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको आईयूपीएसी नेमिंग आती है, तो आप चैप्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए पहले आईयूपीएसी नेमिंग बिल्कुल कन्फर्म कर लीजिए कि आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको ये समझाता हूँ कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट वी नो द मीनिंग ऑफ चैप्टर नेम। सबसे पहले चैप्टर का नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो हेलो एल्केन, हेलो शब्द का मतलब होता है बच्चों कॉल वाला हेलो नहीं, ठीक है। हेलो का शब्द होता है हेलोजन्स। हेलोजन्स आपके ग्रुप 17 में आते हैं, और हेलोजन्स जो आपके ग्रुप 17 में आते हैं वो होते हैं फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। अब मैंने ये क्या बोल दिया, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। तो बच्चों इसका मतलब ये है फ्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन एस्टेटाइन। तो इसको याद रखने का तरीका है फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया। तो ग्रुप 17 को आप बड़े ही आराम से याद रख सकते हो। तो जब भी किसी कार्बन के चेन में आपका या तो क्लोरीन हो, या तो ब्रोमीन हो, या तो कोई भी हेलोजन्स हो, तो उनको बच्चों हेलो एल्केन बोलते हैं। और बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हेलो एरिन का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर या तो क्लोरीन हो, या तो ब्रोमीन हो, या तो आयोडीन हो, या तो फ्लोरीन हो, तो उसे हेलो एरिन कहा जाता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बच्चों ये है कि जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे हेलो एल्केन हो गया, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में एग्जाम्पल एग्जाम्पल आर एक्स। बच्चों मैं ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस आर एक्स पे बहुत ज़्यादा गौर करना, बहुत ज़्यादा। क्यों गौर करना, क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं कोई रिएक्शन कराऊंगा ना, तो मैं पहले जर्नल रिएक्शन लिखाऊंगा। व्हाट इज जर्नल रिएक्शन? जर्नल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें कंटेन करके रखती है। तो वैसे ही आर अपने अंदर बहुत सारी चीजें कंटेन करके रखता है। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, यानी कि कार्बन की चेन बहुत सारी है, पता नहीं एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन लगा दूँ तो मीथेन वाला हो जाएगा, दो कार्बन लगा दूँ तो इथेन वाला हो जाएगा, तीन कार्बन लगा दूँ तो प्रोपेन वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस मेरा ये है कि आर एक्स को अपने ब्लड में घोल लो अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि जरूरी है। जर्नल रिएक्शन लिखाऊंगा तो बार बार आर एक्स लिखाऊंगा, तो आपको मतलब पता होना चाहिए आर एक्स का। आर का मतलब होता है कार्बन की चेन, कितनी भी लंबी हो सकती है, और एक्स का मतलब कोई भी हैलोजन। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल, और बच्चों इसका जर्नल नेम क्या होता है? इसका जर्नल नेम हम लिखते हैं एल्काइल हेलाइड। इसका जर्नल नेम हम क्या लिखते हैं? एल्काइल हेलाइड। एल्काइल रिप्रेजेंट फॉर आर एंड हेलाइड रिप्रेजेंट फॉर एक्स। क्लियर? एग्जाम्पल सुनो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है CH3Cl, जो कि हम इस सेगमेंट में बनाना सीखेंगे, और वैसे ही CH3Br, ठीक है, ऐसे ही CH3F, ऐसे ही CH3I। तो बच्चों इनको हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो ये वीडियो है बच्चों, ये इसी के ऊपर है कि हम इनको बनाना सीखेंगे, इनको हम प्रिपेयर करना सीखेंगे, प्रिपरेशन करना सीखेंगे, ठीक है। और वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बच्चों होगा आपका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड बोला, एल्काइल मतलब आर और एक्स के लिए हैलाइड, तो अब CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल, और इसको बोलेंगे क्लोराइड। एक और नाम होता है बच्चों इसका, ये तो कॉमन नेम है, एक और आईयूपीएसी नेम होता है, अगर आप सीएल को पहले बोलोगे तो बोलना पड़ेगा आपको क्लोरोमीथेन, ठीक है, ध्यान रखना क्लोरोमीथेन। तो ध्यान रखना इस चीज को, दिस इज द कॉमन नेम एंड दिस इज द आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम जब भी बोलोगे तो चेन को पहले बोलोगे, और क्लोरीन जब भी किसी के शब्द के पीछे लगेगा, वर्ड के पीछे लगेगा, तो उसे IDE क्लोराइड बोल देंगे। लेकिन अगर क्लोरीन पहले बोला जाएगा आईयूपीएसी नेम में, पहले जैसे बोला जाता है, तो उसे क्लोरो बोलेंगे। और CH3 को जैसे आगे मिथाइल बोलते थे, लेकिन इस समय क्या बोलेंगे? मिथेन। तो जब CH3 किसी के नाम के पीछे लगता है तो उसे मिथेन बोलते हैं, जब CH3 को पहले बोलना होता है तो क्या बोलते हैं? मिथाइल। इतना ध्यान रखना। वैसे सेम टू सेम इसको क्या बोलेंगे? इसको मिथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रोमोमिथेन, इसको बोलेंगे ब्रोमोमिथेन, ठीक है, ब्रोमोमिथेन बोलेंगे।
ऐसे ही इसको मिथाइल फ्लोराइड बोलेंगे, फ्लोरोमीथेन बोलेंगे, इसको मिथाइल आयोडाइड बोलेंगे, इसको आइडोमीथेन बोलेंगे। और बच्चों ऐसा है कि क्या बोलते हैं, ये सब नेमिंग तो आप आगे जाके काफ़ी पढ़ोगे ही, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ एक ही आएगा, कार्बन दो भी हो सकते हैं, कार्बन चार भी हो सकते हैं, कार्बन पाँच भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे CH3, CH2, Cl हो सकता है। कार्बन की चेन तो बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है, तभी जर्नल नेम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो RX का मतलब समझवाए आपको, अभी मैंने कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग में नहीं करी है, बस मैंने RX को समझाने की कोशिश करी है कि RX को दिमाग में बिठा देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर RX ठीक से नहीं आया और आगे जाके मैं कोई भी रिएक्शन लिखा दूं उसमें RX में लिखा दूंगा तो बच्चे को पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि RX क्या होता है बच्चों। तो R का मतलब कितनी भी लंबी कार्बन की चेन और X मतलब हैलोजन, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको इतना, इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों इसे हेलो एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। और एक और चीज, एक और नाम बोलते हैं इसे, इसे एलिफैटिक भी बोला जाता है, एलिफैटिक। तो बच्चों एलिफैटिक वो होता है जो कार्बन की सीधी सीधी चेन बढ़ रही हो, कोई ब्रांच ब्रांच वाली ना हो, बस कार्बन की सीधी सीधी ऐसे ऐसे करके जब चेन बढ़ती है उसे एलिफैटिक बोला जाता है। तो कभी भी मैं बोल दूं कि एलिफैटिक, तो एलिफैटिक मतलब हेलो एल्केन के लिए होता है, किसके लिए होता है, हेलो एल्केन के लिए। अब बच्चों इंट्रोडक्शन में देता हूँ हेलोएरीन का। तो व्हाट इज हेलोएरीन, तो सेकंड नंबर पर अगर मैं बोलूँ कि हेलोएरीन्स, व्हाट इज हेलोएरीन्स, तो हेलोएरीन्स का मीनिंग ये होता है बच्चों, जब कोई रिंग हो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बेंजीन की रिंग बना दी, ये बेंजीन की रिंग बना दी और ऊपर मैंने लिख दिया एक्स, ऊपर मैंने क्या लिख दिया एक्स। अब इस एक्स की जगह पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे आपने RX को पढ़ा है कि RX को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, वैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेंजीन और X को क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में। तो नॉर्मल लैंग्वेज और जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है एराइल हैलाइड, ARYL, एराइल हैलाइड। क्लियर हुआ आपको, एराइल शब्द बेंजीन के लिए और हैलाइड मतलब कोई भी X जो यहाँ पे जुड़ेगा। क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। जैसे एग्जांपल बेंजीन के ऊपर यहाँ पे Cl हो सकता था, तो इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ऐसे ही हम Br जोड़ेंगे तो लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और ऐसे ही हम इसमें अगर I करते हैं तो आइडोबेंजीन, और ऐसे ही हम इसमें अगर F जोड़ेंगे तो ये होगा फ्लोरोबेंजीन। बच्चों इस चैप्टर को मैं 5 मिनट में समझा सकता हूँ पूरे चैप्टर को, अगर लाइन बारी से आप समझना चाहते हो तो मैं समझा सकता हूँ आपको, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग अपना ओपन करना होगा। सबसे पहली बात तो योगिक कंडीशन है, क्योंकि बच्चों हर चीज़ को पढ़ने का सिस्टम होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत बच्चे डरते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, रट लेते हैं, पर मैं लॉजिकल चीज़ें समझाऊंगा बच्चों को सारी की सारी, ताकि आपको चैप्टर भी अच्छे से आ जाए, आप हर तरीके के क्वेश्चन भी कर सको। तो उसके लिए आप भी रेडी रहो, मैं भी रेडी रहूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि हेलो एल्केन किसे बोलते हैं और हेलो एरीन किसे बोलते हैं। तो जब भी मैं बच्चों एरोमेटिक बोलूँ, क्या बोलूँ, एरोमेटिक, जब भी मैं बोल दूं एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का मतलब मैं हेलोएरीन्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि बेंजीन वाले की बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं एलिफैटिक बोल दूं इसका मतलब मैं नॉर्मल कार्बन चेन की बात कर रहा हूँ। तो अब बच्चों क्या पढ़ने वाले, टॉपिक सुनो। टॉपिक सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे 4 कैटेगरी में। सबसे पहले नंबर ऑफ आर ग्रुप से, फिर पढ़ेंगे विनाइल ग्रुप, फिर पढ़ेंगे एलाइल ग्रुप और फिर पढ़ेंगे बेंजीन ग्रुप, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे और हम कार्बन और क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं ना, इनका नेचर भी देखेंगे कि ये किस नेचर के हैं। अब बच्चों नेचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये पोलर नेचर के होते हैं, लेकिन कारण मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा कि क्यों होते हैं, ठीक है। जो जो कवर करने वाले हैं वो आज इस वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। इंट्रोडक्शन ये हो गया, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों अल्कोहल से बनाना सीखेंगे, अल्कोहल से। आज सिर्फ इतना काम करेंगे, आज हमें अल्कोहल से बनाना सीखना है। तो अल्कोहल से बनाना सीखेंगे, अल्कोहल में बच्चों हम एक फेमस रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको ग्रुफ्स प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम
PCl3, PCl5 से भी बनाएंगे, जिसको फॉस्फोरस हैलाइड कहा जाता है। और हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे थाइनोइल क्लोराइड, और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आज का ये हमारा सेगमेंट है जो हमें आज कंप्लीट करना है वीडियो में, तो रेडी रहो, इसको नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। हेलोएरिकेन और हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है हमने, और हेडिंग है हमारी, मैंने चार बताई थी। तो सबसे पहला है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। व्हाट इज एल्काइल बच्चों, अब मैं पूछता हूं आपसे व्हाट इज एल्काइल। तो एल्काइल इज आर, एल्काइल इज आर, आर मतलब CH3, कार्बन की कितनी भी चेन हो सकती है, तो आर को मेनली CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CH3 से। ठीक है, रिपीट करते रहो मेरे साथ। तो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो भाई कार्बन की चेन में अगर आपको कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा, हैलोजन यानी कि क्लोरीन जुड़ा होगा, ब्रोमीन जुड़ा होगा, आयोडीन जुड़ा होगा, फ्लोरीन जुड़ा होगा, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन जर्नल वे में कैसे लिखेंगे बच्चे उसको? तो जर्नल वे में देखो कैसे लिखते हैं। अगर मुझको जर्नल फॉर्म दिखानी है, जर्नल फॉर्म, ठीक है, आप जब अपनी बुक उठा के देखोगे ना, तो आपकी जो रिफ्रेशर होगी, जो भी आप कैरी करते हो, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, उसमें जर्नल नेम से सारी चीज़ें स्टार्ट करी गई है। ठीक है, और मेरा ब्लू मार्कर मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया, खो गया, अच्छा मिल गया, ठीक है। तो क्लियर करता हूँ मैं इस सारी चीज़ें, जर्नल फॉर्म कैसे लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया सेंट्रल, ये कार्बन हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, सेंट्रल ये कार्बन हो गया। एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, एक यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं X लिख दूँ क्या? क्या आपको समझ आ रहा है कि मैंने X क्यों लिखा? क्योंकि X की जगह पे क्लोरीन भी हो सकता था, X की जगह पे ब्रोमीन भी हो सकता था, X की जगह पे आयोडीन भी हो सकता था, और X की जगह पर फ्लोरीन भी हो सकता था, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और करके मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3X, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3X। तो जैसा कि मैंने बोला बच्चों कि एल्काइल का मतलब R होता है, और R का मतलब क्या होता है? CH3, ठीक है। तो ये मैं इसको करके और करके RX भी तो लिख सकता हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंट्रल एटम आपका कार्बन होता है, चारों तरफ ऐसा हाइड्रोजन होता है, और एक जगह पे हैलोजन जुड़ा है। तो मैं इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसी CH3 को मैं R लिखता हूँ। इतने क्लियर हुआ बात? एक और देखो डायग्राम। अब मैं ना H को बच्चों रिमूव कर देता हूँ, इस H को रिमूव कर देता हूँ, और इसकी जगह पे R लिखता हूँ। R का मतलब CH3। तो जर्नल फॉर्म में मैं CH3 नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखा मैंने, और ये H लिखा, ये H लिखा, और ये मैंने X लिख दिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग हुआ, और करके अगर लिखूं RCH2X, ठीक है, और करके मैं इसको लिख सकता हूं। अब और करके मैं लिखूंगा क्या इसे? ठीक है, लिख तो दिया जो लिखना था। इसका मीनिंग क्या हुआ, समझो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कि मैं इस R की जगह पे CH3CH2X लिख सकता था, CH3CH2X लिख सकता था। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब चलो एक और हाइड्रोजन है, इसको भी हटाते हैं। तो हाइड्रोजन को हटाया मैंने इस वाले कार्बन से, तो ये R मैंने लगाया, यहाँ पे मैंने R लगाया, यहाँ पे मैंने H लगाया, और यहाँ पे मैंने X लगाया। कितने R हो गए? दो R हो गए। क्या अभी और R लग सकते हैं? आपसे सवाल है मेरा, क्या अभी और R लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि एक और H है अभी। तो यहाँ पे मैंने एक और R लगा दिया, RCRR, और ये X हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपका सिंपली बस एक ही R है, मतलब एक ही CH3 है। यहाँ पे भी मेरे पास एक ही CH3 है बच्चों, लेकिन बीच में CH2 आ गया, लेकिन बीच में क्या आ गया? CH2। यहाँ पे मेरे पास दो CH3 हैं, दो आ रहे, तो मतलब दो CH3 हैं। और यहाँ पे मेरे पास कितने एल्काइल ग्रुप है? यहाँ पे मेरे पास तीन एल्काइल ग्रुप है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझना जरा। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, तो हमें पता चलता है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो CH3 कितना था? एक था। CH3 एक होने की वजह से R एक है मेरे पास। अगर मेरे पास R एक है तो बच्चों मैं इसे बोलता हूं 1 डिग्री, और इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या नाम है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वैसे ही बिल्कुल यहां पर, क्या यहां पे कितने CH3 हैं? देखो यहां पर CH3 कितने हैं,
ठीक है, आराम से देखो, शांति से देखो, कॉपी पेन अभी छोड़ दो, बस अभी सवाल का जवाब दो। कितने CS3 दिख रहे हैं? एक CS3 दिख रहा है। तो यहाँ ये भी बच्चों 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और इसको भी क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसको भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ओके, इसको भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोल दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, कितने आर हैं आपके पास? आपके पास 2 आर है, तो अब आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल सही समझे आप। ये होगा बच्चों 2 डिग्री, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूँ AH, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड। और इधर आ जाओ, 1 2 3 3 का, 3 के लिए 3 डिग्री, तो इसको बोलेंगे बच्चों टर्चरी एल्काइल हैलाइड, टर्चरी एल्काइल हैलाइड। तो क्लियर हुआ आपको? क्या ये चीज क्लियर हुई कि ये कैसे बना? ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये है कि यहाँ पे 1 डिग्री वाले 2 हैं और यहाँ पे 1 2 डिग्री वाला, 1 3 डिग्री वाला है। और 1 2 3 डिग्री कैसे हमने आइडेंटिफाई करा आपको मालूम चला? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जैसे जैसे आर बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें चेंज होती है। ठीक है, हर चीज चेंज होती है, आप लोग भी चेंज हो चुके हो, 12th में पहुंच चुके हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हो चुकी है आपकी। अब रिएक्टिविटी पर बात कर लेते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी पर। तो ध्यान से सुनो आप जरा, अब जरा ध्यान से सुनने वाली, गौर करने वाली बात है कि नंबर ऑफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी बॉन्ड एक्स, ठीक है, वीक। इससे क्या समझे आप? इससे क्या समझे? नंबर ऑफ आर अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ आर अगर बढ़ेगा तो C और X का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। मतलब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। अब इस हेलोजन की जगह पे क्लोरीन भी हो सकता था, इस हेलोजन की जगह पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन सब हो सकता था। सॉरी, एस्टेटाइन नहीं, रेडियोएक्टिव होता है, उनको हटा दो बस। ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आर बढ़ेंगे वैसे वैसे सी और एक्स का बॉन्ड क्या होगा? वीक। क्या इतनी बात समझे? अब ये बताओ आर किस पे ज्यादा है? आर तो यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए ही है कि एक ही आर है हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़ा बॉन्ड को वीक करने की थोड़ी सी कोशिश करेगा। यहाँ पे प्योर आर मुझे मिल चुका है, तो ये थोड़ा बॉन्ड को वीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने आ चुके हैं? यहाँ पे आपके 2 आर आ चुके हैं, तो 2 आर आपके बॉन्ड को वीक करेंगे। असल में बच्चों मैं आपको रीजन बताता हूँ सीधा। आर जो होता है ना, उसको बोलते हैं ERG। वट इज ERG? ERG इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ERG इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो अपने में से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। ये जो हेलोजन है, हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग जानते हो। तो हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो अपने आप को खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से शिफ्ट होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो खींचेगा। ठीक है, अब देखो आर है हमारे पास, 2 आर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देंगे तो ये ज्यादा खींचेगा। अब यहाँ पे कितने आर है? यहाँ पे तो 3 आर है, यहाँ पे तो 3 आर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें खींचेंगे? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा उसमें खींचेंगे जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे? जिसमें सबसे ज्यादा आर होंगे। किसमें सबसे ज्यादा आर होंगे? 3 वाले में। ठीक है, तो 3 वाले में सबसे ज्यादा आर होने के कारण इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो कार्बन को, और एक्स इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खींच लेगा और बॉन्ड को बना देगा वेरी वीक। बॉन्ड को बना देगा वेरी वीक। ये वाला भी होगा वीक, ये वाला भी होगा वीक, और ये वाला होगा थोड़ा सा स्ट्रांग, ये वाला होगा थोड़ा सा स्ट्रांग, और ये होगा बहुत 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 स्ट्रांग। ठीक है, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? ERG वाली, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाली। तो जैसे जैसे आर बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कार्बन पे बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे बढ़ जाएगी तो जो हेलोजन ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और जो हेलोजन ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो बॉन्ड को क्या कर देगा? वीक।
एक और चीज से समझ सकते हो, अगर ईआरजी से समझ में नहीं आ रहा है, बस ये हिस्सा याद रखो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आर बढ़ेंगे तो सी और एक्स का बॉन्ड क्या होगा, वीक। जैसे जैसे नंबर ऑफ आर बढ़ेंगे तो सी और एक्स का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आर किसमें, सबसे ज्यादा आर इसमें, तो इसका बॉन्ड वीक हो गया। इसमें दो आर है, इसका भी वीक हो, इसका वेरी वीक, इसका वीक, इसका स्ट्रांग और इसका वेरी स्ट्रांग। अब मेरी बच्चों एक बात का जवाब देना जिसका बॉन्ड स्ट्रांग और मैंने उसको रिएक्शन में डाल दिया, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग और मैंने उसको रिएक्शन में डाल दिया, तो क्या वो जल्दी टूटेगा? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, नहीं टूटेगा जल्दी। लेकिन अगर मैं इस वाले को जो वेरी वीक है उसको रिएक्शन में डाल दूंगा तो क्या ये बॉन्ड जल्दी तोड़ देगा? तो बिल्कुल सही बात है, ये बॉन्ड जल्दी तोड़ देगा और जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देगा। इसका मतलब ये जो 3 डिग्री है ये रिएक्शन में, रिएक्शन हम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा फास्टर, ठीक है। ये भी थोड़ा फास्टर करेगा, ये करेगा स्ट्रांग है, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, ये स्लोअर करेगा, ठीक है। और ये तो करेगा ही नहीं जल्दी से रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन पहले कौन कर लेगा, रिएक्शन पहले ये कर लेगा क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखी जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखी जाए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखी जाए अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट कर लेगा, बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये थोड़ा कम रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव और ये बिल्कुल कम रिएक्टिव। ये है बच्चों लीस्ट रिएक्टिव, ये इसको किंग बना देता हूँ मैं इसे, ये है किंग, ये जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये है लीस्ट रिएक्टिव, ये है लीस्ट रिएक्टिव। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला लीस्ट रिएक्टिव, ये थोड़ा रिएक्टिव, ये थोड़ा और रिएक्टिव और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो क्लियर हो गया आपको? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये थ्योरी है बच्चों जो आपको नोट करनी है, पूरा नोट करना है, अच्छे से नोट करना है, स्टेप वाइज नोट करना है, कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मेरे से दोबारा पूछना है आपको, ठीक है। कोई डाउट होगा, समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछना है आपको, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कराता हूं। इसको नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, तो जो समझाया उसको अप्लाई करना आना चाहिए आपको, यही टेक्निक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की, जो सीखा है उसे क्वेश्चन में अप्लाई करो, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें सीखते जाएंगे तो उसके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे बच्चों। तो अभी तक क्या सीखा कि नंबर ऑफ आर ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो सी और एक्स का बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा, वीक होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वीक होगा। और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा आर होते हैं तो 3 डिग्री मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री कम रिएक्टिव और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव, यही हमने पढ़ा है बच्चों। तो रूल अप्लाई करने का टाइम आ गया, चलो रूल अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास ये जो गिवन डेटा है इसमें से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो हमको बच्चों CH3 देख के पता करना पड़ेगा कि CH3 किस में कितने हैं। तो चलो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले में तो बच्चों CH3 एक है, इसका मतलब ये 1 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 ब्रैकेट में और बाहर कितना लिखा है 3, तो CH3 मतलब कितने है? 3 है मेरे पास, तो ये 3 डिग्री है। और ये CH3 कितना है, ये तो CH2 है ना बच्चों, ये रहा मेरे पास CH3 एक है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है। और ये देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये भी कितना है 2 डिग्री। तो सबसे पहले फर्स्ट वी नो द डिग्री ऑफ द गिवन कार्बन, तो डिग्री हमने पता कर ली। अब अरेंज करना बहुत आसान हो गया, अरेंजिंग हमें पता ही है 3-1 करनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद 2 डिग्री वाले को लिखेंगे। अब 1 में प्रॉब्लम आ गई कि इसको लिखें कि इसको लिखें। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये तो इलेक्ट्रॉन देता ही देता है और ये इसको सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, देखो सुनो ध्यान से सुनो बात, कोई भी आर है ठीक है, वो सी को ही तो देगा इलेक्ट्रॉन, अपने सी को ही तो देगा, तभी तो हेलोजन खींचेगा। और यहाँ पे सी कितने हैं, यहाँ पे एक सी है, तो ये किसको देगा, कोई दूसरा सी है ही नहीं, तो ये लीस्ट है बच्चों 1 डिग्री में, ये सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 और ये 3 और CBr, ये सबसे ज़्यादा होगा तगड़ा, और CH3 और ये 2, फिर CHBr, ये सबसे बढ़िया होगा। उसके बाद ये वाला
CH3 CH2 Br, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन होगा, CH3 Br। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर आप दे सकते हो बच्चों। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, और ये वाला लीस्ट वाला 1 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई आपको बात, इतनी क्लियर हो गई बात। अब बच्चों आ जाओ बॉन्ड लाइन वाले क्वेश्चन पर। तो बॉन्ड लाइन वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ बॉन्ड लाइन, क्योंकि 11th में मुझे नहीं लगता कि आपने सीखा होगा, और सीखा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक बार और सिखा देता हूँ आपको कि बच्चों जो कोने पर होता है ना, जो कोने पे जो लाइनें होती है, जैसे ये कोना है, ये कोना है, तो असल में बच्चों ये CH3 होता है, असल में ये CH3 होता है, और ये कोना है तो ये CH3 होता है, ठीक है। लेकिन ये भी तो एक पॉइंट है, लेकिन इसके बीच में बच्चों बॉन्ड आ गया ना बॉन्ड, तो यहाँ पे ये CH3 नहीं होगा, ओनली ये कार्बन होगा, और ये भी ओनली कार्बन होगा, और इसमें CH2 दो कार्बन होंगे, और इसमें कार्बन 3 दे रखा है, तो CH होगा असल में ये। इसका डायग्राम बना के दिखाऊं आपको स्ट्रेट वाला। चलो एक बार स्ट्रेट वाला डायग्राम देख लो, 1 2 3 4, तो CH3 CH2 CH2 CH3, और ऐसे करके यहाँ पे एक Br लगा हुआ है। CH3 ये वाला पॉइंट, CH2 ये वाला पॉइंट, CH ये वाला पॉइंट जिस पर Br है, और CH3 ठीक है ये वाला पॉइंट। तो बताओ कितने CH3 हैं, 2 CH3, इसका मतलब ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री। अब अगर आपको आइडिया लग गया तो आप ये वाला बताओ जरा कौन सा होगा, ये 1 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही कोना फ्री है, ये CH3 होगा, ये वाला बच्चों CH2 होगा, ये वाला CH2 होगा, ये वाला CH2 होगा, और ये वाला भी क्या होगा, CH2 होगा, और उसमें Br जुड़ रखा है, तो CH3 कितना है, एक है, 1 डिग्री, और ये वाला CH3, ये वाला CH3, और ये वाला CH3, तो ये आपका 3 डिग्री। अरेंज करना आपको आता ही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ CH3 यानी कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड अपॉन विनाइल ग्रुप, तो इसको नोट डाउन कीजिए। और हाँ एक बात और है बच्चों, Br दिया है मैंने, तो Br दिया है तो आपका क्लोरीन का भी आ सकता है, यहाँ पे ClCl आप करके खुद एक और क्वेश्चन खुद बना सकते हो, ठीक है। मैंने तो Br के प्रोस्पेक्टस से कराया है, हो सकता है कि यहाँ पे Cl आ जाए, यहाँ पे Cl आ जाए, यहाँ पे Cl आ जाए, तो कोई घबराने की बात नहीं है, हेलोजन चेंज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या देखना है, हमें तो एल्काइल ग्रुप देखना है कि 3 है 4 है 3 है 2 है कि 1 है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों विनाइल ग्रुप क्लासिफिकेशन का दूसरा पॉइंट, विनाइल ग्रुप, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो बच्चों विनाइल ग्रुप शुरू करते हैं, बहुत आसान है विनाइल ग्रुप, ठीक है। विनाइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, अगर विनाइल ग्रुप की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, जर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, आपके पास यहाँ पे कार्बन होगा, बिल्कुल सही बात है, आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन ने डबल बॉन्ड से अटैच अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए होंगे, इसका मतलब वो 2 चीज़ों को अपने से जोड़ सकता है, तो हो सकता है जनरल फॉर्म में 2 चीज़ों को अपने से कहीं से कुछ भी हाइड्रोजन वाइड्रोजन जोड़ रहा हो अपने में, और यहाँ पे भी कार्बन होगा, ठीक है, कुछ अपने में से कुछ हाइड्रोजन वाइड्रोजन जोड़ रहा होगा, और उसी से अगर कनेक्ट होगा ग्रुप, ठीक है। अब वो ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, वो हैलोजन ग्रुप हो सकता है, वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है कि कार्बन की चेन अगर है, कार्बन की चेन अगर है, और कार्बन की चेन से कोई ग्रुप, कार्बन की चेन से कोई ग्रुप डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से, डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से, तो उसे विनाइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, विनाइल। इसके साथ साथ एक और समझो, सी वाला क्लासिफिकेशन एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, इससे अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, तो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों इसका, इसका स्ट्रक्चर होगा कि मेरे पास एक कार्बन हो गया, किसी से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और ये वाला कार्बन हो गया, और मान लो ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, और मान लो ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है, और एक और कार्बन हो गया मान लो, ठीक है। तो यहां पे मेरा ग्रुप जुड़ा है, एक कार्बन कम कर दूं क्या, ठीक है, लो ठीक है। तो देखो बच्चों दोनों में फर्क देख लो, अच्छे से फर्क देख लो दोनों में, जब कोई ग्रुप कार्बन में जुड़ा हो
और वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, जब कोई ग्रुप कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से जुड़ा हो तो उसे विनाइल ग्रुप बोलते हैं। लेकिन कोई ग्रुप बगल वाले कार्बन से जुड़ा हो लेकिन उसके बगल में डबल बॉन्ड ना होकर सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद डबल बॉन्ड हो उसके सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइल ग्रुप। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट मैं लेता हूं यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 Cl, ठीक है, दो तीन इसमें भी एक आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल, ये मैंने बेंजीन रिंग बना दी और बेंजीन रिंग में मैंने डबल बॉन्ड पे ये Cl जोड़ दिया। ऐसे मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ एक बार, फिर मैं दोनों के नाम लिख के बताऊंगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2, उसके बाद कोई Cl जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देता हूँ बेंजीन वाला, ये डबल बॉन्डेड हो गया लेकिन क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है। ओके चलो लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो बच्चों देखो, सुनो ध्यान से सुनो, ये क्या है आपका, क्या ये है, ठीक है, क्लोरीन है, हेलोजन ग्रुप है, बगल में कार्बन है और वो कार्बन किससे अटैच है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला, विनाइल ग्रुप। और ये देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में बगल वाला कार्बन है, उसके बगल में तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन जो उसका दूसरा कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा केस मिल जाए तो एलाइल ग्रुप है। बिल्कुल वही बेंजीन में ये कार्बन होगा तो इस ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच तो है और क्लोरीन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में, तो ये आपका विनाइल ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये कार्बन डबल बॉन्डेड वाला है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड वाला है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन जो होगा इस वाले कार्बन पे वो तो सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ से क्लोरीन है, तो ये कौन सा होगा, एलाइल ग्रुप। नाम लिखने की बारी है तो नाम लिख देंगे बड़े आराम से बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? सबसे पहले सीएल का नाम लिखेंगे, तो क्लोरो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से ये पास पड़ेगा यहीं से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 तो क्लोरो लिख दिया, और मिथ इथ प्रोप ये लिख सकते हो आप, प्रोपीन, क्लोरो प्रोपीन, ठीक है, क्लोरो प्रोपीन। एक आपको देता हूँ लिखने के लिए, ये मुझे लिख के दिखाओ, CH3 CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आप मुझे खुद लिख के दिखाओ, ठीक है। या तो चलो मैं हेलोजन बदल देता हूँ, यहाँ पे BR ले लेता हूँ, ब्रोमीन, लिख के दिखाओ ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इस ये साइक्लिक वाले में हम लिखेंगे विनाइल साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? विनाइल साइक्लो, साइक्लो है ठीक है, CYCLO, साइक्लो साइक्लो हेक्साइल हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है, आया समझ में? ये वाला देखो बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्लोरो और मिथ इथ प्रो ब्यूट, काउंटिंग यहीं से भी शुरू कर लो, तो यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन क्लोरो ब्यूट टू इन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा एलाइल साइक्लो। देखो ये क्या है, ये विनाइल साइक्लो है तो वो क्या होगा, एलाइल साइक्लो, तो एलाइल साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है जी, ठीक है। एक इसका मुझे करके दिखाओ, CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्डेड CH और CH2 और BR, ये वाला मुझे खुद करके दिखाना, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। कॉमन नेम में क्या लिखोगे? अगर चलो ये तो IUPAC नेम है, कॉमन नेम में क्या लिखोगे? कॉमन नेम में ये लिख सकते हो सीधा विनाइल क्लोराइड, सीधा, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। यहां पे क्या लिख सकते हो सीधा? विनाइल ब्रोमाइड, सॉरी एलाइल ब्रोमाइड। सर इसका क्या लिखेंगे? इसका IUPAC नेम आप लिख लोगे, उसके बाद लिख देना विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। चलो IUPAC नेम लिख देखो इसका, ब्रोमो इथिन, या तो क्या लिखोगे विनाइल, या तो क्या लिखोगे विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका देखो, इधर देखो,
ठीक है, ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो, 1 2 3 4, ब्यूट 2 ENE, या तो क्या लिखोगे, या तो क्या लिखोगे, ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो, एलाइल एलाइल ब्रोमो, ठीक है, ये विनाइल ब्रोमो, वो एलाइल ब्रोमो। तो क्लियर हो गया आपको ये, इतना ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो पहला क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ आर का, दूसरा क्लासिफिकेशन विनाइल का, और तीसरा क्लासिफिकेशन एलाइल का। जब कोई ग्रुप उस कार्बन पर अटैच हो, जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो उसे विनाइल ग्रुप, और कोई ग्रुप उस कार्बन पर अटैच हो जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है लेकिन जो उसका दूसरा कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, उसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो क्लासिफिकेशन बच्चों बस ओवर हो चुका है, बस बेंजीन के बारे में आपको बताना है, वो मैं फटाफट बताता हूँ, आप इसको नोट करो, फिर फटाफट बेंजीन वाला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन बार से मैं लिखते भी जा रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत की ये बात नहीं है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। बेंजाइल ग्रुप कर लेते हैं बच्चों। व्हाट इज बेंजाइल ग्रुप? जब बेंजीन के ऊपर CH2 हो तो एक जगह खाली है और कोई ग्रुप हो, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसे CH2Cl हो गया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है बच्चों CH2Br हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे ऊपर वाले को? बेंजाइल क्लोराइड। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलो मैं इसका एक और केस बताता हूँ आपको। ये क्लोरीन वाला क्या, एक और केस देखो। अगर मैं एक और क्लोरीन जोड़ दूं इस पे, इसको Cl2 कर दूं, तो एक H हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से CHCl2 कर देता हूँ बच्चों। इसे क्या कर देता हूँ? CHCl2। तो तब इसे बेंजाइल क्लोराइड ना बोलकर बेंजाल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजाल क्लोराइड, ठीक है। चलो एक और हटा देता हूँ, अभी तो एक और H हट सकता है ना। तो तीसरे पॉइंट में अगर मैं इसका ये एक और H हटा दूं बच्चों, और एक और क्लोरीन जोड़ दूं इस पे, और CCl3 कर दूं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजो क्लोराइड। बिल्कुल इसी तरीके से आप Br को भी कर सकते हो। अगर एक और Br को यहाँ पे जोड़ोगे तो Br2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पे आप लिख सकते हो CHBr2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, खुद लिखना है, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और एक और आप अगर हाइड्रोजन हटाओगे, एक और Br जोड़ोगे, तो ये हो जाएगा CBr3, तो इसका हो जाएगा बेंजो ब्रोमाइड। तो ये आगे केसेस आएंगे, मैं कराऊंगा आपको, सारी प्रिपरेशन कराऊंगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है, पहला क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, 3 डिग्री मोर पावरफुल, 2 डिग्री थोड़ा कम, 1 डिग्री सबसे कम, ठीक है। उसके बाद हमने विनाइल ग्रुप पढ़ा, फिर हमने एलाइल ग्रुप पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने बेंजाइल ग्रुप पढ़ा। कौन सा ग्रुप पढ़ा? बेंजाइल ग्रुप। अब इतना हो चुका है, अब हम सी और एक्स बॉन्ड का नेचर देखेंगे बच्चों, कि पोलर है कि नॉन पोलर, तो फटाफट पता करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो देखो, तो बच्चों कभी कभी ना 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोइल्केन्स? क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोइल्केन्स, इन हेलोइल्केन्स, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोइल्केन्स? तो चलो समझते हैं इसे फटाफट। तो बच्चों सी मतलब कार्बन और एक्स मतलब कोई भी हेलोजन, चाहे ग्रुप 17 में आप कोई भी हेलोजन उठा लो, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इनकी बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चाहे आप फ्लोरीन को उठा लो बच्चों, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7। चाहे क्लोरीन को उठा लो, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने आते हैं? क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट का मतलब आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है पहले से ही, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया बॉन्ड बनाने के लिए, और कार्बन किसी हाइड्रोजन वाइड्रोजन से चिपका हुआ होगा, मान लो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन उससे वो चिपका हुआ है, और कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो रखा है ये वाला। तो बच्चों जो ये है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेवंथ में आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऐसे लिख दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रो, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वो किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है जिसमें अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हो। और पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों अगर आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है नेचर में, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो है फ्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच्चों अपनी तरफ खींच लेगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा ना रहकर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा ना रहकर एक्स के पास तो अपने हैं, ठीक है, हेलोजन के पास अपने तो इलेक्ट्रॉन खुद ही हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ पे खींच लेगा बिल्कुल अपनी तरफ, और बॉन्ड को खाली कर देगा, बॉन्ड को खोखला कर देगा बीच में से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींच लिए, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव नेचर के, नेगेटिव नेचर का मतलब ये हो गई नेगेटिव साइड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ सारे के सारे खींच लिए, तो कार्बन को क्या कर दिया? पॉजिटिव। और जब भी कोई ऐसी स्पीशीज होती है आपके पास जो एक तरफ नेगेटिव हो और दूसरी तरफ पॉजिटिव हो, तो उसे बोला जाता है पोलर। उसे क्या बोला जाता है? पोलर। तो आपका बच्चों जवाब आपको मिल गया, आपका बच्चों जवाब आपको मिल गया कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड का जो सी और एक्स के बीच में रिलेशन होता है, वो उसका नेचर जो होता है वो क्या होता है? वो पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? तो पोलर होता है कि नॉन पोलर? तो जी होता है पोलर। ठीक है, आप लोगों ने इलेवंथ में पढ़ा होगा पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पोलर में क्या होता है? पोलर में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो बॉन्ड के शिफ्ट हो जाते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास आ जाते हैं, तो उसे पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, उनके बीच का जो बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों पावरफुल है ना बच्चों, ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है। ठीक है, दोनों के दोनों पावरफुल है, तो अगर ये दोनों के दोनों पावरफुल है तो ये भी बिल्कुल सेम पावर लगाएगा, ये भी बिल्कुल सेम पावर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन ना उधर जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन ना उधर जा पाएंगे, तो इस चीज को बोलते हैं बच्चों नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर में फर्क चल गया, यहाँ पे फिर प्लस माइनस नहीं आता, लेकिन जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं उसको माइनस बोलते हैं, और जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं वो वाली साइड का बन जाते हैं प्लस, और फिर वो आ जाता है पोलर में, वो किस में आ जाता है? पोलर में। तो जब भी आपसे नेचर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज पोलर, इज पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। तो ये आपका जवाब होगा। क्या जवाब होगा? रिपीट करो एक बार जवाब कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आर पोलर इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको? इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। अब मैं आपको प्रिपरेशन सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रिपरेशन सिखाता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फॉर हेलो एरिन्स। ठीक है, तो सबसे पहले वी प्रिपेयर हेलो एल्केन्स, सबसे पहले हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे बच्चों, और उसमें हम तीन तरीके करेंगे। सबसे पहले तीन तरीके, चलो फटाफट बोलो मेरे साथ। सबसे पहले अल्कोहल से बनाएंगे बच्चों, किससे बनाएंगे? अल्कोहल से। ये टॉपिक आज अल्कोहल, और अल्कोहल में बच्चों तीन टॉपिक पढ़ने हैं। बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, क्या पढ़ना है बोलो? बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, क्या पढ़ना है? बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। दूसरा पढ़ना है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, क्या पढ़ना है? बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। और तीसरा क्या पढ़ना है? बाय द एक्शन ऑफ थाइनोल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थाइनोल क्लोराइड। तो बच्चों ये तीन तरीके हम एल्कोहल में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है एल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रॉम एल्कोहल, इसका मतलब हम एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे, एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। एल्कोहल का जनरल नेम बच्चों क्या होता है? एल्कोहल मतलब आर, आर मतलब कार्बन की चेन, कि कितने भी आप कार्बन की चेन दिखा दो, और ओ एच रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कोहल को, तो कार्बन के चेन और उसके साथ ओ एच। ठीक है, तो वो एल्कोहल होता है बच्चों। क्या होता है वो? एल्कोहल। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक करते हैं, पहला टॉपिक जो है वो है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो पहला टॉपिक है बच्चों इसमें, फर्स्ट टॉपिक, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हैलोजन एसिड्स क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज हैलोजन एसिड्स। तो यहीं बगल में लिख देता हूँ, जब भी हाइड्रोजन और सीएलओ उसको हैलोजन एसिड बोलते हैं, जब भी एच और बीआर उसको हैलोजन एसिड बोलते हैं, जब भी एच और आई हो उसे हैलोजन एसिड बोलते हैं, जब भी एच और एफ हो उसे हैलोजन एसिड बोलते हैं। तो जब भी ग्रुप 17 के जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कभी भी एच के साथ जुड़ जाते हैं बच्चों और वो HCl बना लेते हैं, HBr बना लेते हैं, HI बना लेते हैं, HF बना लेते हैं, तो उन्हें फिर हैलोजन एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैलोजन एसिड। क्या आपको नाम का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर नाम का मतलब समझ में आ गया तो इसको करते हैं बच्चों। लेकिन इसको करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी आपसे इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोट करके, ठीक है, नोट करके हम रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं इसकी। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है जी। ग्रुप 17 में आते हैं, मालूम है हमको, ठीक है। तो ग्रुप 17 में आते हैं, ग्रुप 17 में फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, एटी को हटा देता हूँ मैं क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, काम नहीं होता इसका कुछ, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों नीचे आते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं, चलो इनके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो जब मैं इनको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दूंगा बच्चों, तो ये बन जाएगा HF, क्या बन जाएगा? HF। इसको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? HCl। इसको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? HBr। इसको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? HI, ठीक है। चलो अब और नीचे आते हैं, तो मैं जब इसको देखा तो मैंने बॉन्ड बड़ा कम देखा बच्चों इसका, मैंने जब इसका बॉन्ड देखा तो इसका बॉन्ड ज़्यादा देखा, मैंने जब इसका बॉन्ड देखा तो इसका बॉन्ड तो और ज़्यादा देखा, और मैंने जब इसका बॉन्ड देखा तो इसका तो बॉन्ड और भी ज़्यादा मिला, यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, नीचे जाते जाते बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये बताओ, मैं आपको एक लंबी सी पेंसिल ला के देता हूँ और उसको आप तोड़ दोगे? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, तोड़ देंगे, आराम से तोड़ देंगे, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ जो आपने तोड़ दिया उसमें से जो आधा हिस्सा है वो भी आप तोड़ दोगे? हाँ जी सर, वो भी जान लगा के तोड़ देंगे। फिर मैं बोलता हूँ कि जो आपने तोड़ा है उसमें से और आधा हिस्सा आप तोड़ दोगे? तो आप बोलोगे थोड़ा मुश्किल होगा पर तोड़ देंगे, ठीक है। फिर जो इतना सा बचा, इतना सा हिस्सा बचा, उसको तोड़ दोगे अपने हाथों से? तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, ये कि क्या बोलते हैं, इतना इतनी छोटी चीज टूटेगी थोड़ी ना। तो बात बिल्कुल सही है बच्चों, जो डेली लाइफ में यूज होता है वैसे यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, कि बात यह है कि छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो गया HCl में, HBr में बॉन्ड और बड़ा हो गया, और HI में बॉन्ड और बड़ा हो गया। तो ये बताओ HF का बॉन्ड पहले टूटेगा कि HI का बॉन्ड पहले टूटेगा? तो आपका जवाब होगा HI का बॉन्ड पहले टूटेगा, क्योंकि उसकी नीचे जाते जाते बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो चुकी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है? डिक्रीज। तो यहाँ से बच्चों मुझे रिएक्टिविटी का पता चला, यहाँ से मुझे पता चला कि HI की जो HI है उसका वेरी वीक बॉन्ड है, वेरी वीक बॉन्ड। तो नेचर में ज़्यादातर HI मिलता ही नहीं है, लैब में प्रिपेयर कर रहे हो वो अलग बात है, पर नेचर में HI जल्दी से मिलता नहीं है, ठीक बात है। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा और मतलब मॉडरेट किसका होता है? मॉडरेट इसका होता है, मतलब इसको थोड़ा तोड़ने में परेशानी होगी, इसको थोड़ा तोड़ने में परेशानी होगी, ये भी वीक है पर इस ये ज़्यादा वीक नहीं है। उसके बाद जो H और Cl है वो बच्चों स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, और जो मेरा HF है वो तो वेरी स्ट्रांग है, ठीक है जी। तो ये सब मैंने क्यों बताया है? ये सब मैंने रिएक्शन को करने के लिए बताया बच्चों आपको, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका HI होता है, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जल्दी से टूट जाएगा, जैसे ही HI बनेगा वैसे ही टूट जाएगा, ठीक है, हल्का सा उसमें हीट लगेगी वैसे ही टूट जाएगा। तो इसका मतलब इससे तो हम रिएक्शन दिखा नहीं सकते, कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ टेम्परेचर रखेंगे तो रिएक्शन दिखा देंगे, वैसे तो नहीं दिखा सकते भाई, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग, तो इसको बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो इससे भी रिएक्शन दिखाना मुश्किल है, इसका तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इससे भी रिएक्शन दिखाना मुश्किल है, तो इससे भी रिएक्शन दिखाना मुश्किल है, इससे भी रिएक्शन दिखाना मुश्किल है, इससे भी रिएक्शन दिखाना मुश्किल है।
तो मेरे पास क्या बचा, बस वीक, जो मॉडरेट वीक होता है। तो ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है अकेला, ठीक है। ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी रिएक्शन में पीपीटी कर सकता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये ध्यान रखना। HCl भी रिएक्शन में कर सकता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2, लेकिन इसको जरूरत नहीं पड़ती, ये आराम से कर लेगा अकेला, और ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के हो जाएगा इसका भी। और HF तो मुश्किल है, HF का मुश्किल है करना, लेकिन कुछ कंडीशंस तो भाई एक्सेप्शनल केस तो होते ही हैं, तो वो तो करते ही हैं हम। तो इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया जी। तो अगर इतना क्लियर हो गया है तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो और मैं रिएक्शन करा देता हूँ फटाफट, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी फटाफट। ओके, तो देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मुझे पता चल गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो ये है कि HI सबसे ज़्यादा पावरफुल, और जो HBr है वो वीक, और HCl सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। और HF तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तोड़ना ही मुश्किल हो गया इसे, लेकिन इसको तोड़ सकता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, और ये तो एग्जिस्ट मुश्किल से करता है बच्चों, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, बहुत मुश्किल से एग्जिस्ट करता है। जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास क्या बचा, बस हमारे पास ओनली HBr बचा जो रिएक्शन कर सकता है। तो बच्चों हम HBr से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। बताने का सिर्फ इतना मोटिव था कि आप फिर सवाल खड़ा कर देते हैं कि यार ये सब तो तुमने टॉपिक लिखा दिए, लेकिन रिएक्शन तुमने HBr से दिखाई। तो बच्चों HBr से रिएक्शन दिखाने का यही मोटिव है कि ये भी नहीं करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ किस में करेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 में, और HBr करेगा रिएक्शन, और ये तो जल्दी से एग्जिस्ट करता नहीं है, तो मैं रिएक्शन किससे दिखाऊंगा, HBr से। क्लियर हो गया इतना, तो लिखते हैं बच्चों जर्नल रिएक्शन। तो जर्नल रिएक्शन में एल्कोहल हमारा ROH, ये हमारा बच्चों एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है ये, और 1 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, 2 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, 3 डिग्री, व्हाट इज 1 डिग्री, जब R 1 हो तो 1 डिग्री, जब R 2 हो तो 2 डिग्री, जब R 3 हो तो 3 डिग्री, ठीक है। और एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, क्योंकि एक घंटा शायद होने वाला है बच्चों, बिल्कुल होने वाला है, ठीक है, 8 मिनट हैं एक घंटा होने में, और मुझे लगता है आज थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, थोड़ी लंबी बनेगी वीडियो। ओके, तो मैं इसकी रिएक्शन HBr से करा देता हूँ, HBr से करा देता हूँ, और कुछ नई नई चीज़ें आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr को हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। आपको ये मालूम है कि OH, O जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और इसको बना देगा नेगेटिव, और R हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही ब्रोमीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, Br को बना देगा नेगेटिव और H को बना देगा पॉजिटिव। अब रिएक्शन करनी आप लोगों को आती है, रिएक्शन कैसे होगी, जो बच्चों ये R पॉजिटिव आप देख रहे हो, ये जुड़ जाएगा इस Br से और क्या बनाएगा, RBr, क्या बनाएगा, RBr, ये बन गया एल्काइल ब्रोमाइड, क्या बन गया, एल्काइल ब्रोमाइड, और H और OH आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर हो गई आपको रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है बच्चों, एग्जांपल आप जैसे मैं CH3 CH2OH ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है, CH3CH CH3OH, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल CH3CH CH3OH CH3,
ठीक है। तीन एग्जांपल देखो बच्चों, कितना सी एस थ्री प्रेजेंट है, एक सी एस थ्री, तो ये 1 डिग्री होगा। इसका नाम होता है बच्चों इथेनॉल। क्या नाम होता है? इथेनॉल। और कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। और ये आपका 1 डिग्री होता है। क्या होता है? 1 डिग्री। ऐसे ही बच्चों ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला देखो CH3 दो है तो ये 2 डिग्री हो गया। इसका नाम बच्चों होता है, इसका नाम होता है प्रोपेन टू ओल। या तो इसका एक और नाम हो सकता है, या तो इसका एक और नाम हो सकता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। याद रखना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं बच्चों? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। दूसरे नंबर पे जब भी अल्कोहल आता है तो आइसो लगा देता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे नंबर पर आ रहे हैं तभी आइसो लगा रहे हैं, और वो भी अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे CH3 है, CH है, CH3 है, और यहाँ पे CL है, तो 1, 2, 3। तो पहले मैं इसको 2-क्लोरो-प्रोपेन लिख सकता हूँ, 2-क्लोरो-प्रोपेन लिख सकता हूँ। लेकिन बच्चों मैं इसे एक और चीज लिख सकता हूँ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जब भी कोई भी चीज, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, वो दूसरे नंबर वाले कार्बन पे जुड़ी हो, तो कॉमन नेम क्या होता है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये असल में आइसोमेरिक नाम है, आइसोमर वाला नाम है बच्चों ये, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो चलो रिएक्शन करते हैं फटाफट। तो HBr से रिएक्शन कराते हैं, HBr से। तो HBr से रिएक्शन होगी, आपको ये देखो जी सुन लो, जहां से OH प्रेजेंट है वो तो नेगेटिव हो गया, उसके बगल वाला कार्बन पॉजिटिव होगा, इसको पॉजिटिव मत कर देना CH3 को, ठीक है? और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब OH तो निकल गया H के साथ, तो पानी क्या हो गया? बाहर। वाटर क्या हो गया? बाहर। ये वाटर बाहर हो गया। और जो ये पूरा पोर्शन है बच्चों, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला हिस्सा जुड़ेगा आपका Br से। और Br से कौन जुड़ेगा? CH3 जुड़ेगा कि CH2 जुड़ेगा? तो CH2 Br से जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका CH3 CH2 Br, ठीक है? और ये बन गया आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन, ठीक है? चलो और करते हैं HBr, ठीक है? HBr से करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। और OH कहाँ से कनेक्ट है? OH इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया और OH नेगेटिव हो गया। OH H को निकाल देगा और H2O बाहर हो गया। और ये पूरा हिस्सा बच्चों Br पे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 और नीचे Br। ये भी आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाए बच्चों। इसका नाम होगा 2-ब्रोमो 1-2-3-2-ब्रोमो प्रोपेन। या तो इसका एक और नाम बोला IUPAC नेम, इसका एक और IUPAC नेम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलेंगे, ठीक है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इस पे आ जाओ बच्चों, इसकी रिएक्शन करेंगे HBr से। तो ये नेगेटिव और ये वाला कार्बन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो HOH को हटाएगा। नीचे भी लिख सकते हो, जो वेस्ट है उसको नीचे भी लिख सकते हो, जो बाहर निकल गया, ठीक है? और Br इस जगह पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों C नीचे Br और ये CH3, ये CH3 और ऊपर भी CH3, ठीक है? नाम कैसे लिखेंगे इसका? तो लंबी चेन बच्चों ये हो गई, ये लंबी चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई, ठीक है? काउंटिंग कहीं से भी शुरू कर लो, फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3। तो ये मिथाइल, ये ब्रोमो, तो पहले लिखेंगे 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। या तो बच्चों एक और इसका नाम लिख सकते हो, क्या लिखोगे? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। या तो क्या लिख सकते हो? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसे भी लिख सकते हो बच्चों टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है? और इसे भी वही ऐसे करके नाम लिख सकते हो आप, इसका क्या लिखोगे? 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, ठीक है? सारे नाम बच्चों आपको खुद भी लिखना है, मैं इतनी मेहनत इसलिए करा रहा हूँ आपको, और लिखने में वक्त बहुत ज़्यादा जाया हो रहा है, लेकिन सीखना है बच्चों, इस पूरे चैप्टर को सीखना है, क्योंकि ये नींव है आपकी, ये बुनियाद है आपकी, ठीक है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन, अगर इसको अच्छे से सीख लिया तो आगे के चैप्टर और अच्छे हो जाएंगे। तो मैं तो लिख ही रहा हूँ,
मैं आईयूपीएसी नेम भी लिख रहा हूँ, साथ साथ कॉमन नेम भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपकी भी पूरी ड्यूटी बनती है कि कभी अगर मेरे से छूट गया तो आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम रिएक्शन कर लेंगे बच्चों, एचबीआर से रिएक्शन कर लेंगे। एचआई एग्जिस्ट नहीं करेगा जल्दी से, ये तो बहुत स्ट्रांग होता है, ये ऐसे टूट नहीं पाएगा। और एचसीएल किसकी प्रेजेंस टूटता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो मैं अब एचसीएल की रिएक्शन करवाता हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर एचसीएल की रिएक्शन करते हैं। ओके तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। तो मुझे किससे रिएक्शन करानी है, मुझे HCl से रिएक्शन करानी है। तो बच्चों HCl से जिसने रिएक्शन कराई तो वो थे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जिनका नाम ग्रुफ्स है, तो उनका ग्रुफ्स प्रोसेस बोला गया, ठीक है। लेकिन ग्रुफ्स प्रोसेस जो है बच्चों वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली 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 क्लोरो के लिए, याद रखना, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली क्लोरो के लिए, ओनली क्लोरो के लिए। तो जब भी आपके पास ग्रुफ्स एल्कोहल से क्लोरो व्लोरो बनाना आ गया तो आप ग्रुफ्स प्रोसेस लगा के आराम से कर सकते हो। तो ग्रुफ्स के प्रोसेस में क्या क्या होता है बच्चों वो जानते हैं हम, ठीक है। सोर्स क्या इस्तेमाल करे सर ने, सोर्स सर ने लिए सबसे पहले तो HCl लिया गैस, HCl लिया गैस, और साथ में एरो पे क्या डाला, एनहाइड्रस ZnCl2। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये स्ट्रांग तो होता है लेकिन अगर इसे हम वो ना ले, इसे हम लिक्विड फॉर्म में ना लेकर अगर हम इसे गैस फॉर्म में लेंगे और तब इसको आराम से तोड़ा जा सकता है इसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चों कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ग्रुफ्स प्रोसेस में एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों डाला जाता है, तो उसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ओके ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल रिएक्शन मेरे पास क्या होती है बच्चों, ये रहा मेरा अल्कोहल, ये है अल्कोहल, और देखो मैं नीचे क्या लिखने वाला हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का आंगिया बच्चों, 3 डिग्री का आंगिया। तो बच्चों याद रखना ग्रुफ्स प्रोसेस सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, 3 डिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखोगे इतना, ठीक है। और क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। और HCl गैस हमने डाल दी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो ZnCl2 क्या करने का काम करता है बच्चों, ZnCl2 यहाँ का बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है, क्लीवेज करने में मदद करता है, यहाँ का बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है, R और OH का बॉन्ड तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है, और इसको बना देता है नेगेटिव और इसको बना देता है पॉजिटिव। और मालूम है आपको ये तो H तो पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो होता ही है, ये तो हमको मालूम ही है। तो OH किससे जुड़ेगा, OH H से जुड़ेगा, और वाटर क्या निकल जाएगा बच्चों, बाहर वाटर क्या निकल गया, बाहर वाटर बाहर निकल गया। और जो R पॉजिटिव है वो किससे जुड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ, R पॉजिटिव है वो किससे जुड़ेगा, तो R पॉजिटिव बच्चों जुड़ेगा क्लोरीन नेगेटिव से और बनाएगा RCl। तो ये बन गया आपका एल्काइल, R को एल्काइल बोलेंगे और Cl को क्लोराइड बोलेंगे, एल्काइल क्लोराइड। तो ये आपका बच्चों एल्काइल क्लोराइड बन गया, क्लियर हो गया आपको बात, एग्जाम्पल रेडी करो। तो चलो एग्जाम्पल रेडी करते हैं फटाफट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 CH3Cl, एग्जाम्पल नंबर 2 CH3OH, CH3CH2OH, ये OH होगा, एल्कोहल लेना है ना, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, मीथेनॉल, और या तो क्या लिखोगे, मिथाइल एल्कोहल, कौन सा डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल, या तो क्या लिख सकते हो, इथाइल एल्कोहल, ये भी क्या होगा, 1 डिग्री, ठीक है। तीसरा CH3CH CH3OH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों प्रोपेन टू ओल, या तो इसका एक और नाम लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ओके चलो करते हैं, या तो एक और ले लो, चलो करते हैं यार, बहुत हो गया। अच्छा देखो, तो ये हो गया H और ये हो गया Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
जेड एन सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, तो जेड एन सी एल टू क्या काम करेगा, ओ और एच के बीच के बॉन्ड को ये तोड़ने की कोशिश करेगा, मदद करेगा, कोशिश करेगा, मदद करेगा, कोशिश करेगा, मदद करेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओ एच किससे जुड़ेगा, एच से, तो वाटर क्या निकल गया बाहर, ये वाटर निकल गया बाहर, और सी एच थ्री इस सी एल से जुड़ के क्या बनाएगा, सी एच थ्री सी एल, क्या बनाएगा, सी एच थ्री सी एल, क्या बन गया बच्चों, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, या तो एक और नाम बोलो मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये हो गया बच्चों आपका वन डिग्री, ये हो गया वन डिग्री। इधर आ जाओ, ये भी एस सी एल से रिएक्ट करेगा, एस सी एल गैस से, तो एस सी एल गैस से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, ठीक है, तो ये यहाँ का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, इसको बनाएगा नेगेटिव और इसको बनाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो आपका जो ये है वो तो एच के साथ निकल जाएगा, ठीक है, तो वाटर निकल गया बाहर, और आपका ये पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा सी एल पर जुड़ेगा और ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल, तो ये बन गया आपका इथेन, इथाइल क्लोराइड। मेरे से मिस हो जाए कोई बात नहीं, आपसे मिस नहीं होना चाहिए, उसका उसका नाम खुद लिखोगे क्लोरोइथेन, एक और नाम आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, क्लोरोइथेन। इस पे आ जाओ बच्चों, ये टू डिग्री है, टू डिग्री अल्कोहल, तो टू डिग्री अल्कोहल आपको टू डिग्री एल्काइल हैलाइड बना के देगा, तो ये हो जाएगा बच्चों एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, और एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू की प्रेजेंस में कहाँ से टूटेगा, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा एच पर, तो एच टू ओ क्या हो गया, बाहर हो गया, और क्लोरीन इस वाले हिस्से पर जुड़ जाएगा जहाँ से ओ एच हटा है, तो ये हो जाएगा बच्चों सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और ये हो गया सी एल, तो वन टू थ्री, इसका नाम हो सकता है टू क्लोरो, टू क्लोरो प्रोपेन भी हो सकता है बच्चों, या तो इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी से बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वन डिग्री, वन डिग्री, टू डिग्री, ये भी टू डिग्री बनेगा, ये भी वन डिग्री, ये भी वन डिग्री, तो बच्चों इसे बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। तो जब भी कोई साइंटिस्ट की रिएक्शन आती है बच्चों, तो ध्यान रखना थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, तो आप लिख सकते हो इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन वन डिग्री टू डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल रिएक्ट, रिएक्ट एच सी एल गैस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू टू गिव, टू गिव क्लोरोएल्केन, टू गिव क्लोरोएल्केन, टू गिव क्लोरोएल्केन। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको, तो जब भी पेपर में आएगा, पेपर में आ गया कि एक्सप्लेन ग्रुप्स प्रोसेस, तो ग्रुप्स प्रोसेस में सोर्स लिखना है, ठीक है, उसके बाद जनरल रिएक्शन दिखानी है, और जनरल रिएक्शन में एक वन डिग्री वाला और एक टू डिग्री वाला एग्जांपल दे दोगे काफ़ी है, दो एग्जांपल दे दोगे, मैंने आपको चार एग्जांपल दिए हैं, आप दो एग्जांपल दे दोगे काफ़ी है। तो क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। अभी बच्चों और बातें करनी है मुझे मुझे ग्रुप्स प्रोसेस में, तो पहले आप इसे नोट कर लो, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर और बातें करते हैं ग्रुप्स प्रोसेस में। ओके, नोट हो गया, नोट हो गया, ओके, देखो ग्रुप्स प्रोसेस में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये आता है, नोट करके लिखना नेक्स्ट लाइन से, ग्रुप्स प्रोसेस में पहला क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि वाई एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू यूज इन ग्रुप्स प्रोसेस, तो आपका जवाब होगा ग्रुप्स प्रोसेस में क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि जो बच्चों एल्कोहल का OH होता है, तो एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू उसको क्लीवेज करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, तो आप बोलोगे टू ब्रेक, या लिख दो टू क्लीवेज ऑफ, टू क्लीवेज ऑफ आर बॉन्ड ओ एच ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो वाई एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू यूज इन ग्रुप्स प्रोसेस, तो इसलिए यूज कराया जाता है ताकि आर और ओ एच के बॉन्ड को क्या कर सके, तोड़ सके, आर और ओ एच के बॉन्ड को क्या कर सके, तोड़ सके। क्लियर हो गया आपको इतना, ओके,
अब बच्चों जरा एक बात और सुनो, फिर इसको खत्म करते हैं। थ्री डिग्री वाला केस, थ्री डिग्री वाला केस क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। कि थ्री डिग्री वाले केस में थ्री डिग्री अल्कोहल में, थ्री डिग्री अल्कोहल डू नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस। क्वेश्चन बन के ये भी आ सकता है कि वाई, ठीक है, कि वाई थ्री डिग्री अल्कोहल डू नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स प्रोसेस। थ्री डिग्री अल्कोहल आपका ग्रुप्स प्रोसेस में क्यों आपका बन के नहीं आ सकता? तो आपका बच्चों जवाब ये होगा कि जो थ्री डिग्री होते हैं जैसे सी एच थ्री, सी सी एच थ्री और सी एच थ्री और ओ एच, नाम बोलो फटाफट, नाम बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये हो गया आपका पेरेंट चेन, ये हो गई साइड चेन, ये हो गया फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम बोलूँगा, काउंटिंग कहीं से भी शुरू कर लो, जरूरी नहीं है कहीं से भी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन टू ओल, ठीक है। या तो इसका नाम बोल सकते हैं बच्चों टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। टर्ट मतलब चार, ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन, और अल्कोहल तो ग्रुप है ही, ठीक है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन बच्चों HCl गैस से कराता हूँ और एरो पे एनहाइड्रोजन Cl2 नहीं डालता हूँ, यही है बच्चों रीजन, यही रीजन है कि थ्री डिग्री अल्कोहल डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स प्रोसेस। क्यों नहीं आता है भाई ग्रुप्स प्रोसेस में? क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग करते हैं ना रिएक्शन, तो उनके सोर्सेज जो होते हैं बच्चों, उनकी रिएक्शन उनके नाम पर होती है, उनके सोर्स हमको डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर उनके बिना, उनके सोर्स के बिना कोई रिएक्शन हो जाती है तो वो साइंटिस्ट की रिएक्शन नहीं रहती फिर। तो इसका मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है। आपका सवाल हो सकता है क्यों जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है? तो बच्चों ये थ्री डिग्री होता है और थ्री डिग्री मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। तो थ्री डिग्री मोर रिएक्टिव होने के कारण एनहाइड्रोजन Cl2 की जरूरत नहीं पड़ती उसे, क्योंकि क्योंकि उसका जो C और OH वाला बॉन्ड होता है वो पहले से ही वेरी वीक होता है, वो पहले से ही क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। एनहाइड्रोजन Cl2 तभी तो डालते थे ताकि इसका क्लीवेज कर सके, इसको तोड़ सके, पर ये तो पहले से ही वीक है। क्यों वीक है, क्यों वीक है, पढ़ा चुका हूँ क्लासिफिकेशन में। जैसे जैसे CH3 बढ़ेंगे यानी कि R बढ़ेंगे तो C और X का बॉन्ड वीक होता है, वैसे ही OH का बॉन्ड भी वीक होता है बच्चों, ध्यान रहेगा इतनी चीज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये OH इससे जुड़ेगा तो H2O क्या हो गया, बाहर हो गया, क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3, CH3 और ये CH3 और ये हो जाएगा आपका Cl। नाम 1, 2, 3, ये वाला नाम लिख लो यार, इसका एक बार नाम ट्राई करो, इसका नाम ट्राई करो भाई साहब, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा आपका टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन, या तो लिख सकते हो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम लिख सकते हो। क्या क्लियर हो गया आपको ग्रुप्स प्रोसेस? तो आपको इसके आंसर में ये लिखना है, अगर क्वेश्चन आ गया कभी आप बोलोगे कि थ्री डिग्री इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव सो इट डज नॉट नीड एनहाइड्रोजन Cl2 एंड थ्री डिग्री अल्कोहल से जो क्लोरीन बनेगा, थ्री डिग्री अल्कोहल डज नॉट नीड एनहाइड्रोजन Cl2 एंड इट डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप्स प्रोसेस। तो ये ग्रुप्स प्रोसेस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इतना मैंने टॉपिक आपको करवा दिया बच्चों, ठीक है। बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड चल रहा था, हैलोजन एसिड में मैंने आपको बताया कि Br रिएक्ट कर पाता है, HI नहीं कर पाएगा, वीक होता है बहुत ज़्यादा, HCl कर सकता है लेकिन किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रोजन Cl2। एक चीज़ और बच्चों, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे गैस नहीं होती, यहाँ पे ये कंसनट्रेटेड लेते हैं, HCl क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड, ये ध्यान रखना। 1 डिग्री 2 डिग्री में तो गैस ही लेंगे HCl, लेकिन यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं, इतना ध्यान रखना। तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसको नोट डाउन करो फटाफट। तो अल्कोहल का ही टॉपिक चल रहा है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या है उसके बारे में सिखाता हूं आपको। दूसरा टॉपिक है बच्चों, दूसरा बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड,
बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड बच्चों, फॉस्फोरस के दो कंपोनेंट होते हैं, किसी साइंटिस्ट के ऊपर नहीं है, बस हेडिंग है एक तरह की, ठीक है। दो सोर्स होते हैं ये। तो बच्चों जो पहला सोर्स होता है वो होता है PCl3, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और एक होता है PCl5 जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। फॉस्फोरस 3 क्लोरीन में भी एग्जिस्ट करता है और फॉस्फोरस 5 क्लोरीन में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इतना बच्चों ध्यान रखना, मैं रिएक्शन करा देता हूँ इसकी, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो उससे पहले बच्चों एक चीज बता देता हूँ कि PCl3 का तो डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है, PCl, ये Cl होता है, ये Cl होता है, आगे जाके आएगा तो अभी से आपको नॉलेज दे देता हूँ इस तरीके से। इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, आपने VSEPR थ्योरी में पढ़ा होगा। और एक सेकंड होता है बच्चों जो होता है PCl5, तो इसका कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और एक बोर्ड से बाहर और एक बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड से बाहर और बोर्ड के अंदर क्या कुछ फर्क दिख रहा है PCl5 में? बिल्कुल फर्क दिख रहा है कि कुछ आपने लंबे बॉन्ड बना दिए और कुछ आपने छोटे बॉन्ड बना दिए। तो बच्चों यही पेपर क्वेश्चन में आ चुका है और ये मैं आपको पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ इसके बारे में, ताकि अगर कोर्स आगे आपका हो चुका है या कोई पेपर आपका होने वाला है तो आपको ध्यान रहे कि आप पहले पढ़ चुके हो RKC से, ठीक है। तो इन बॉन्ड को बोला जाता है बच्चों एक्सियल, क्या बोला जाता है एक्सियल, और जो ये वाले बॉन्ड है इसको बोला जाता है इक्विटोरियल, क्या बोला जाता है इक्विटोरियल, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने एक्सियल इक्विटोरियल के बारे में, ठीक है। तो ये सीधे बॉन्ड जो होते हैं उन्हें एक्सियल बोला जाता है, और ये वाले बॉन्ड को इक्विटोरियल, और इसकी शेप को बोला जाता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसकी शेप को बोला जाता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि PCl5 की इक्वल बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं होती है, ठीक है, और उसको केमिकल रिएक्शन से आप बताओ। चलो एक बार बताओ आप, ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखो इसकी, PCl5 अगर मैं इसे हीट करूंगा तो बताओ क्या होगा, PCl5 को हीट करूंगा तो क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं PCl5 को हीट करूंगा तो जैसे मैंने लंबी स्टिक की बात करी थी और छोटी स्टिक की बात करी थी, तो ये बताओ लंबी स्टिक पहले टूटेगी कि छोटी स्टिक? तो आपका जवाब होगा लंबी स्टिक टूटेगी, बहुत बढ़िया। तो लंबी स्टिक बच्चों टूट जाएगी, लंबी स्टिक मतलब ये 2 क्लोरीन या लंबे लंबे बॉन्ड वाले टूट जाएंगे, और Cl2 क्या हो जाएगा, Cl2 बाहर हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, PCl3 बचेगा। ये पेपर में 1 मार्क्स में पूछी जाती है रिएक्शन कि व्हाट हैपन व्हेन इफ PCl5 इज हीटेड। तो PCl5 को जब हीट करते हो तो उसके एक्सियल वाले बॉन्ड टूट जाते हैं, क्योंकि लंबे होने के कारण लंबाई बढ़ जाती है, तो स्ट्रेंथ बॉन्ड की घट जाती है, वो कम ताकतवर होते हैं, तो जो कम ताकतवर होगा वो टूट जाएगा और जो ताकतवर होगा वो चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसके इक्वल बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं होती है, तो अभी सुन लो जवाब, लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो आगे जाके पी ब्लॉक में तो मुझे कराना ही है। आपका जवाब होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने के कारण PCl5 की इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने के कारण PCl5 की इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं होती है। पर यह केस नहीं है हमारा, मैंने एक्स्ट्रा में समझाया आपको, ये पी ब्लॉक में पढ़ेंगे दोबारा से, अभी तो हमें रिएक्शन करनी है बच्चों। तो रिएक्शन में सिखा देता हूँ रिएक्शन क्या है। तो जर्नल रिएक्शन देखो, सबसे पहले इसकी जर्नल रिएक्शन, तो जर्नल रिएक्शन में सबसे पहले अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये 1 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, 2 डिग्री के लिए भी और 3 डिग्री के लिए भी, ठीक है। इसको हम एल्काइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसको हम एल्काइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो जब भी मैं बच्चों PCl3 से रिएक्शन कराऊंगा, किससे रिएक्शन कराऊंगा, PCl3 से, जब भी मैं किससे रिएक्शन कराऊंगा, PCl3 से रिएक्शन कराऊंगा, और ध्यान रखना ये भी सिर्फ क्लोरो के लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्लोरो के लिए। तो जब भी PCl3 से रिएक्शन कराऊंगा बच्चों, तो मुझे यहाँ पे 3 ROH चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए होंगे, 3 ROH चाहिए होंगे। तो मुझे ये जो 3 आ रही है, 3 क्लोरीन को निकाल लेंगे,
ये तीन आर जो दिख रहे हैं वो कितने क्लोरीन को निकाल लेंगे, तीन क्लोरीन को निकाल लेंगे और बनाएंगे 3RCl, तो बन गया आपका एल्काइल क्लोराइड। ठीक बात है, तीन आर ने तीन क्लोरीन को निकाल दिया। अब आपके पास बताओ ओ कितना है, तो अगर ओ आपने एक बोला तो आपकी स्टडी गलत ट्रैक पर है, और ओ जिसने तीन बोला आपकी स्टडी सही ट्रैक पर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे थ्री लगा हुआ है तो आर तीन है, तो तीन इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तीन इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ओ भी तीन है और एच भी तीन है, और पी कितना है, पी एक है। ठीक है, तो पी इसके बीच में जंप मार जाएगा बच्चों, पी ओ और एच के बीच में आ जाएगा और बनेगा हमारा प्रोडक्ट H3PO3। क्या बनेगा बच्चों, H3PO3 जिसे फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोरस एसिड बोला जाता है। तो क्लियर हो गया आपको, पहली रिएक्शन क्लियर हो गई PCl3 से। तो जब भी किसी 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल की आप रिएक्शन कराओगे PCl3 से, तो ध्यान रखना आपको ये 3 पहले 3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे 3 मोल अल्कोहल के, और तब आप कराओगे और क्लोरोएल्केन बनेगा और फॉस्फोरस एसिड बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोएल्केन और फॉस्फोरस एसिड हमेशा। अब जरा उस पर आ जाओ, PCl5 से भी देख लेते हैं रिएक्शन को। तो ROH ठीक है, अल्कोहल है ये हमारा अल्कोहल, तो इसकी PCl5 से कराते हैं रिएक्शन। तो चलो PCl5 से करा देते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आर है बच्चों मेरे पास, हाँ आपका आंसर ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे तो तीन लिए, यहाँ पे क्यों नहीं लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे पांच है, और वो भी दो एक्सेल वाले हैं, दो लंबे बॉन्ड हैं जो कि बहुत आराम से टूट सकते हैं। ये तो वो वाले बॉन्ड है ना जो इक्वेटोरियल वाले होते हैं, ये तो साथ में ही लगेंगे जब भी लगेंगे, लेकिन ये तो टूट सकता है ना, तभी मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाना भी पड़ा आपको इसी वजह से। तो यहाँ पे एक ही आर से काम चल जाएगा, यहाँ पे तीन आर नहीं लेना आपको। तो एक क्लोरीन, पांच क्लोरीन में से बच्चों एक क्लोरीन आर पे जुड़ेगा और बनाएगा RCl। इतनी बात क्लियर हुई, पांच क्लोरीन में से एक क्लोरीन आर पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, RCl, और एक क्लोरीन एच से जुड़ेगा, एक क्लोरीन किससे जुड़ेगा, एच से, और बनेगा HCl। लगाओ दिमाग अब क्या बनेगा, जब तक मैं देख लूं टाइम कुछ ज्यादा हो गया यार। ओके, एक Cl R से जुड़ेगा, एक Cl H से जुड़ेगा, ये हो गया HCl। अब ये बताओ P कितना बचा, एक, O कितना बचा, एक, क्लोरीन दो निकल चुके हैं, अब दो क्लोरीन ये एक्सेल वाले ही निकले होंगे, एक्सेल वाले टूट गए होंगे यहाँ से, तो एक्सेल वाले ही निकले होंगे। अब तीन क्लोरीन यहाँ पे बचे हैं इक्वेटोरियल वाले, तो बना देते हैं बच्चों POCl3। क्या बना देते हैं, POCl3, और उसका नाम होता है बच्चों, उसका नाम होता है बच्चों फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको, ये चीज क्लियर हो गई आपको, जनरल रिएक्शन क्लियर हो गई। तो अगर जनरल रिएक्शन क्लियर हो गई तो एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करना, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं करने के लिए आपको, ठीक है, एग्जाम्पल खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2Cl, ठीक है, इसकी PCl3 से कराना। दूसरा अल्कोहल है ना OH, इसकी भी PCl3 से कराना, और ये नोट हो गया, ये वाला नोट हो गया हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड CH3CH2OH, इसकी PCl5 से कराना, और फोर्थ CH3CHOHCH3, इसकी आप PCl5 से कराना। ठीक है, फटाफट कराओ इसकी रिएक्शन, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आप भी वीडियो पॉज करो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी जल्दी जल्दी लिख देता हूँ और आपको बताऊँगा फिर कैसे करना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ओके, ठीक है, तो करें फटाफट, आपने ट्राई करा होगा, उम्मीद, पूरी उम्मीद है मुझे अच्छे बच्चों से। तो PCl3 है तो तीन ले लो, पहले थ्री ले लो,
तो ये पूरी ब्रांच जो है यहाँ तक की जो ये पूरी ब्रांच है बच्चों, ये पूरी ब्रांच जो है आपकी ये जुड़ जाएगी तीन क्लोरीन से, क्या बनाएगी CH3CH2Cl, आगे थ्री लगा देना, आगे थ्री लगा देना, ठीक है। और O कितने हैं, तीन है, H कितने हैं, तीन है, P अंदर घुस जाएगा इसके और बना देगा H3PO3। अभी बताया था इसका फॉर्मूला फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, लिख लेना नाम। अब आ जाओ यहाँ पर, ये भी हमें तीन लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये तीन जो है, ये तीनों के तीनों ये क्लोरीन से जुड़ जाएंगे, मतलब OH यहाँ से हट जाएगा POCl3 से, H3PO3 से H3PO3 बन गया और क्लोरीन ये नीचे आ जाएगा नीचे की जगह पर, ठीक है। तीन क्लोरीन यहाँ नीचे आ जाएंगे, आगे यहाँ पे थ्री लगाए तो तीन क्लोरीन यहाँ नीचे आ जाएंगे इसकी जगह पर, यहाँ नीचे जहाँ से OH हटेगा वहीं क्लोरीन आएंगे। तो ये हो जाएगा CH3CH CH3 और ये क्लोरीन आ गया, ये थ्री, ठीक है। नाम मैं पहले लिखा चुका हूँ, इसका आप लिख सकते हो क्लोरो प्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका नाम क्लोरोइथेन, ठीक है। और इसका करते हैं बच्चों, तो ये पूरा हिस्सा आपका क्लोरीन से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2Cl और एक H एक Cl को और निकालेगा, HCl बाहर हो गया और आपका बन जाएगा POCl3, ठीक है। वही प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, R की जगह पे बस कार्बन की चेन है बच्चों, ध्यान रखना R की जगह पे सिर्फ कार्बन की चेन है। और ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा जो है, पहले इसको बाहर निकाल दूं, तो ये हो जाएगा बच्चों POCl3 बाहर निकल गया, HCl भी बाहर निकल गया और जो क्लोरीन है एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3CHCl और ये हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से हम फॉस्फोरस हैलाइड के बच्चों रिएक्शन करा सकते हैं। नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नाम मैंने पहले सिखा दिए हैं, तो इसलिए आप अब नाम खुद लिखिए। और ये टॉपिक बस बच्चों इतना ही था, ठीक है। और अब बस एक लास्ट टॉपिक करना है, उसके बाद वीडियो को बंद करना है, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, थक गया यार मैं, आके थक गई मेरी। तो अब करते हैं थाइनोइल क्लोराइड, क्या करते हैं थाइनोइल। तो पहला पॉइंट बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, दूसरा पॉइंट बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, तीसरा पॉइंट बाय द एक्शन ऑफ थाइनोइल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थाइनोइल क्लोराइड। ओके करते हैं चलो फटाफट। तो आपका तीसरा पॉइंट बाय द एक्शन ऑफ थाइनोइल क्लोराइड। थाइनोइल क्लोराइड का बच्चों SOCl2 से दिखाते हैं, SOCl2 इसको बोलते हैं बच्चों थाइनोइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं थाइनोइल क्लोराइड, ध्यान रखना इतना। SOCl2 को क्या बोलते हैं थाइनोइल क्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में ये बनाएगा, ये बनाएगा पाइरीडीन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बनाएगा, ये बनाएगा पाइरीडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। पाइरीडीन को शॉर्ट फॉर्म में PY लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं PY। इसका फॉर्मूला होता है C6H5N, क्या होता है C5H5N इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मैं बताता हूँ इसका शेप कैसा होता है, C C C C C और इस तरीके से N, ठीक है। और डबल बॉन्डेड लगा हुआ होता है इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको बच्चों पाइरीडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाइरीडीन। ओके करें स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट करें। ओके तो जनरल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, जनरल रिएक्शन, तो जनरल रिएक्शन हमारी ROH एल्कोहल 1 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, 1 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, 2 डिग्री के लिए भी, 3 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं SOCl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन, PY लिख देंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। अब देखो रिएक्शन बच्चों कैसे होगी, बहुत ईजी है रिएक्शन, एक R एक C के साथ निकलेगा, Cl के साथ, एक R एक Cl के साथ निकलेगा, तो क्या बनाएगा RCl, जो हमें चाहिए था वो बन गया, क्या बन गया एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। और एक H एक और Cl को हटाएगा, ये बनेगा बच्चों HCl गैस, और ये जो SO है ये O के साथ जुड़कर क्या बना देगा, ये बना लेगा SO2, ठीक है। ये भी गैस ऊपर उड़ जाएगी, ये भी गैस ऊपर उड़ जाएगी और साफ सीधा आपको कंटेनर में क्या मिल जाएगा, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, बहुत बड़ा मीनिंग है यार इसका,
अगर आप किसी कंटेनर में अल्कोहल डाल रहे हो और अल्कोहल में आपने थाइनॉल डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, क्या डाल दिया, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन आपने डाल दिया, ठीक है, तो रिएक्शन जब आपस में होगी तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, आपको अल्काली क्लोराइड मिल जाएगा, आपको अब क्या मिल जाएगा, आपको अब RCl मिल जाएगा, अल्कोहल गायब हो गया, अब क्या मिल जाएगा आपको, RCl मिल जाएगा, और दो बनेगी गैस जो के बबल बनाकर ऊपर उड़ जाएगी, जो के बबल बना के क्या उड़ जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, इसका मतलब आपको प्योर प्योर, इसका मतलब आपको प्योर प्योर हेलोजन मिल गया बच्चों, इसका मतलब आपको प्योर प्योर हेलोजन मिल गया, और यही पेपर में आता है बच्चों क्वेश्चन, सुनो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, कराने को तो रिएक्शन बहुत सारी है, ठीक है, तो लेकिन हमें वैरायटी पढ़नी है, पहले पढ़ा ग्रुप प्रोसेस उसमें भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकल रहा था, फिर फॉस्फोरस हैलाइड पड़ा उसमें भी कुछ वेस्ट निकल रहा था, वो लास्ट में क्लोरो तो बन रहा था पर कुछ निकल भी रहा था ना, एक्स्ट्रा में निकल रहा था, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा में निकल रहा है बच्चों, पर दोनों गैस है तो दोनों गैस सॉल्यूशन में से हट जाएगी, तो आपके पास सेपरेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वहाँ पे ग्रुप प्रोसेस में जब बन जाता है तो सेपरेट करना पड़ता है, वहाँ पे फॉस्फोरस हैलाइड में जब बन जाता है तो सेपरेट करना पड़ता है, पर ये ऐसी चीज है बच्चों, यहाँ पे ऐसी ये रिएक्शन है जिसमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तभी क्वेश्चन आता है कि जब भी हम क्लोरो एल्केन बनाना चाहते हैं अल्कोहल से, याद रखना अल्कोहल टॉपिक चल रहा है, जब भी हम क्लोरो एल्केन बनाना चाहते हैं किससे, अल्कोहल से बनाना चाहते हैं, तो जब अल्कोहल से बनाना चाहते हैं तो थाइनॉल क्लोराइड क्यों प्रीफर करते हैं ज्यादा, क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई क्लोरिनेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑलवेज प्रीफर्ड विद थाइनॉल क्लोराइड, Why chlorination of alcohol is always preferred by thionyl chloride? तो आपका जवाब होगा कि thionyl chloride में जब product जो बनता है तो product में दो गैस बनती है जो कि escape out हो जाती है, जो कि solution में से निकल जाती है और आपके पास pure pure क्या बच जाता है, ये बच जाता है, तो separate करने का झंझट नहीं होता है वहाँ पे, तो clear हो गया आपको question? Example करते हैं, चलो इसके example देखो, first example CH3 CH2 Cl, दूसरा एग्जांपल CH3 OH, नाम लिखने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, आपको कसम है उसी की, ठीक है, समझ गए होंगे आप, समझ गए हो, समझदार हो, आपको कसम है उसी की कि आपको नाम खुद लिखने हैं, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, IUPAC नेम और कॉमन नेम खुद लिखने हैं, ठीक है, और SOCl2 से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, तो ये वाला हिस्सा बच्चों OH, ये वाला हिस्सा बच्चों निकलेगा एक क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ये 1 डिग्री आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है, और एक H एक Cl के साथ निकल के HCl गैस बनाएगा और SO इस O के साथ जुड़कर SO2 गैस बनाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्लोरो एल्केन आपको बढ़िया बढ़िया मिल गया, ऐसे बिल्कुल यहाँ पे भी बच्चों SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपका क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और जहाँ से OH हटेगा, चलो पहले इसको हटाता हूँ मैं, HCl के साथ एक HCl बन के बाहर हो गई गैस, ठीक है, और O और SO जुड़कर SO2 गैस बना लेगी, ठीक है, SO2 गैस बन गई, और जहां से OH हटेगा, ध्यान रखना, काफी बच्चे गलती करते हैं, कहीं और जोड़ देते हैं, बीच में घुसा देते हैं, ऐसा मत करना, जहां से OH हटेगा वहीं पर ही क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्लोरीन यहां पे जुड़ेगा इस जगह पर, तो ये हो जाएगा CH3 CH और CH3 और ये हो जाएगा Cl, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चों आपको, क्वेश्चन लिखो, ये नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, ओके देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि वाई क्लोरो एल्केन वाई प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल आर प्रीफर्ड बाय थाइनोइल क्लोराइड, ये
बहुत खुशी हो रही है यार, सच में लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इतनी जल्दी। ठीक है, उफ थक गया यार। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हाई प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल आर प्रिफर्ड बाय थायनल क्लोराइड, थायनल क्लोराइड से क्यों प्रिफर करा जाता है? तो जवाब आपको पता है, ठीक है, आंसर मैं लिख देता हूँ। दिस इज बिकॉज द बाय प्रोडक्ट, दिस इज बिकॉज द बाय प्रोडक्ट SO2 एंड HCl obtain are gaseous, ये gaseous होती है, which easily escapes out। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास अल्कोहल होगा बच्चों, ठीक है, और उसमें अगर मैं SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन में डाल दूं तो मुझे जो RCl मिलेगा वो प्योर मिल जाएगा, क्योंकि गैस बनके SO2 गैस भी बाहर उड़ जाएगी और गैस बनके HCl भी बाहर उड़ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रीफर क्या करते हैं ये सब, तो ध्यान रखना। आज क्या पढ़ा हमने? आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन पढ़ा बच्चों। प्रिपरेशन में हमने अल्कोहल से तीन प्रोसेस पढ़े, पहला पढ़ा बच्चों ग्रुप्स प्रोसेस, दूसरा पढ़ा फॉस्फोरस हैलाइड और तीसरा क्या पढ़ा, थायनल क्लोराइड। तो क्लियर हो गया आपको इतना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी बच्चों वो होगी एल्केन के ऊपर, मैं क्लोरो ब्रोमो आपको बनाना सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर क्लोरो बनाया हमने, यहाँ पे सिर्फ हमने क्लोरो बनाना सीखा, ठीक है, ब्रोमो भी बनाना सीखा, क्लोरो भी बनाना सीखा, लेकिन हमने अभी आयोडो और फ्लोरो बनाना नहीं सीखा। तो वो जो सीखेंगे वो आगे सीखेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, क्योंकि अल्कोहल से बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अल्कोहल से फ्लोरो और आयोडो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल एक प्रोसेस होता है जिसको रिफ्लक्सिंग बोलते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही समझा दूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिंग एडवांस लेवल का चले जाएगा बच्चों, 12th लेवल का नहीं रहेगा, लेकिन तब भी नॉलेज के लिए बता दूंगा आपको, नहीं तो फिर एक्सेप्शनल मान के चलो बस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।